उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के पाकिस्तान के एक पत्रकार से क्लब हाउस चैट के दौरान विवादित बयान को आड़े हाथों लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आए तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली पर विचार किया जाएगा। विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह का यह बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है। दिग्विजय सिंह ने देश के साथ गद्दारी की है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली पर विचार किए जाने वाले बयान को लेकर दिग्विजय सिंह भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पलटवार करते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से क्लब हाउस में पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में धारा 370 के बारे में टिप्पणी की है, वे देशद्रोही की श्रेणी में आती है। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह को कहना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का था और भारत का ही रहेगा। उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह जैसे नेता कितने ही जन्म ले लें, कश्मीर में धारा 370 वापस नहीं लगाई जाएगी। करो दिग्विजय सिंह, तुम कहते हो कि 370 फिर से लागू करोगे? पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ मिलकर क्लब हाउस में ये विचार दिग्विजय सिंह व्यक्त कर रहे हैं। अरे आपके पुरखे भी आ जाए, कांग्रेस के पुरखे भी आ जाए, तो अब धारा 370 कश्मीर में लागू नहीं होगी। हो सकता है जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की हो कि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाए, पर ध्यान रखो, हिंदुस्तान का अंग था कश्मीर, हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का रहेगा कश्मीर। ऐसे दिग्विजय सिंह जैसे सैकड़ों नेता आ जाए पर हिंदुस्तान को तोड़ नहीं सकते। लगातार दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे नेताओं ने हिंदुस्तान को बदनाम करने, हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास किया है, पर ध्यान रखें, आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब देशद्रोही इस देश में कभी भी पनप नहीं सकते। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह का ये बयान गद्दारी है इस देश के साथ, दिग्विजय सिंह का बयान देशद्रोह है इस देश के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के वो नेता जो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, दिग्विजय सिंह और वो नेता जो चाइना परस्ती की बात करते हैं, उन्हें हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।